हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है बात करेंगे दो तो दिग्गज और जबरदस्त स्टॉक के बारे में बहुत ही शानदार और बेहतरीन रिटर्न आपको कमा के देंगे जो कंपाउंडिंग का जो फायदा उठाना चाहेंगे तो इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा और परफॉर्मेंस भी कंपनी बहुत शानदार है चलिए ऐसे दिग्गज दो बैंक के बारे में बात करते हैं अब यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर की बात आती है तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा बैंकिंग सेक्टर कभी भी डूबेगा नहीं और गवर्नमेंट भी कभी डूब दे नहीं देगी इनको बहुत ही अच्छी तरीके सपोर्ट करती रहेगी और इन सेक्टर में बहुत ही अच्छी आपको तेज़ी दिखेगी अब तक के जितने भी बैंकिंग स्टॉक है उनमें आप देख लेना बहुत ही अच्छे तरीके से फर परफॉर्म किया है और रिटर्न के नाम पर बहुत अच्छा बेनिफिट भी कमा दिया है अभी जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ उनकी क्वालिटी की बात करें तो एक्सेलेंट क्वालिटी बहुत ही गुड और ज़बरदस्त क्वालिटी आपको कहूँगा कंपनी के मैनेजमेंट देख लीजिए ग्रोथ के बारे में सोच लीजिए या हम यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें सभी चीज़ों में कंपनी बहुत ही शानदार नजर आती है और आपको कहूँगा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी करती है कंपनी के मार्केट कैप की बात करें थ्री लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है बहुत ही बड़ी कंपनी और दोस्तों आप इतनी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पैसे बिल्कुल डूबेंगे नहीं ये तो गारंटी आपको ऐसे मिल जाएगी अब इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो पी रेशो इतने महंगे कंपनी का पी रेशो आपको कहूँगा इतने सस्ते दाम पर मिल रहा है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है दोस्तों इसको समझ लेना इस कंपनी में आपको परफॉर्मेंस के लिए देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ के चांसेस नज़र आएंगे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें सत्रह का नज़र आता है आर से भी बढ़िया है और कंपनी के आपको क्वेश्चन आता होगा कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग नहीं दिख रही है उसके बारे में आपको आगे बताऊँगा प्रमोटर की होल्डिंग किस तरीके से है और बहुत सारे इन्वेस्टर को कुछ स्टॉक में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर उनमें प्रमोटर के जो होल्डिंग है वो दिखाई नहीं देती तो उसका मैं आपको पूरी तरीके से आंसर आगे दूंगा अब देखिए इस कंपनी के एनुअली बेसिस पर रिजल्ट देखेंगे तो उसमें बिल्कुल तेजी है कंपनी के आपको सत्रह से कंपनी की सेल्स मीस यहाँ पर जो अर्निंग होती है वो भी बढ़ते हुई दिखेगी और जो प्रॉफिट है वो भी आपको 130 परसेंट से ज़्यादा बढ़ते हुए दिख जाएगा बहुत ही अच्छी बात है और कंपनी के एनुअली बेसिस पर जो परफॉर्मेंस अच्छा रह रहा है इसका मतलब क्या दोस्तों कि कंपनी आगे भी इससे भी बेहतरीन परफॉर्म करेगी और आपको रिटर्न कमा देगी इन बातों को आपको लगेगा कि क्या रिजल्ट देखने हैं क्या मायने रखते हैं मैं आपको कहूँगा रिज़ल्ट यही बता देगी कि, कि आपको अगले कुछ सालों में कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी ये चीज़ें आपको रिजल्ट ऐसे समझ में आ जाती है अब यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो आपको ऐसी एक चीज़ नेगेटिव नहीं ने दिखेगी सभी के सभी चीज़ें बहुत अच्छी कंपनी में बैंकिंग सेक्टर के पास जितने डिपॉजिट बढ़ेंगे उतना उतना फ़ायदा इनके लिए रहेगा एडवांस ये सब कुछ अच्छा है उनके लिए इन्वेस्टमेंट बढ़िया हो रही है आसिड देखेंगे वो भी तेरह परसेंट से ग्रो रही है सभी के सभी चीज़ें ए वन और जबरदस्त नजर आ रही है स्टॉक में स्टॉक का नाम है देखिए ऐसे ऐसे बैंक इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि हमने कितनी बार डिस्कस किया है और आज भी डिस्कस इसलिए किया है कि कुछ लोग भूल ना जाए और इसमें फ़ायदा उठा ले अगला भी स्टॉक इससे भी शानदार है दोस्तों और मैं आपको कहूँगा कि जो पैसे कमाने के लिए आते हैं स्टॉक मार्केट से उन्हें क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगी उतने क्वालिटी में उनको प्रॉफिट भी होगा अब इसकी लॉन्ग टर्म की जर्नी देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं कोविड नाइन्टीन के बाद यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी भी स्टॉक ने दिखा दी जरूर है अब ऐसे एक नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो परफॉर्मेंस बढ़िया करेगा उससे पहले आपको यहाँ पर आई सी बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करना चाहूँगा बहुत से लोग ऐसे ही कि की कन्फ्यूज हो जाते हैं आई टी सी लार्सन एंड टुब्रो आई बैंक इन जो स्टॉक में आपको प्रमोटर की होल्डिंग का कुछ क्वेश्चन आता होगा तो मैं आपको बताना चूँगा इनमें गवर्नमेंट का स्टेक बहुत अच्छा इन्वॉल्व है अब इस बात को समझ लेना डीपली और आपको कहूँगा इनमें म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के पास भी होल्डिंग नजर आएगी फॉरेन निवेशक यहाँ पर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है अलग अलग यहाँ पर इन्वेस्टर जो होते हैं रिटेल निवेशक वो भी अवेलेबल है गवर्नमेंट भी डी के उधर से इन्वेस्टमेंट करते रहती है अलग अलग गवर्नमेंट इसमें कहीं से ना कहीं से पैसे लगाए वाले रहते हैं इस बात को आप समझ लेना ऐसा नहीं कि इनके ऊपर प्रमोटर नहीं है कोई नहीं है बोलकर बड़े बड़े लोगों की नज़र है तो इन्हें यहाँ पर बहुत ही शानदार परफॉर्म करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि दिल से ही कुछ करेंगे बोलकर ये बात को आप समझ लेना बहुत ही आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता होगा कि इनके प्रमोटर नहीं तो हम इन्वेस्ट क्यों करें बिल्कुल नहीं दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनीज़ है और परफॉर्मेंस भी बढ़िया नजर आती है अभी पर अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर एच डी एफ़ सी बैंक के बारे में इसके बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त कंपनी दोस्तों आप इस कंपनी पर नजर रखेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा खास कर कर जो इसकी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें या आप यहाँ पर एनुअली बेसिस पर भी देखेंगे तो बहुत ही शानदार कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है मैं आपको एक साल की बात करूँगा स्टॉक की तो आप देख लीजिए सोलह परसेंट से ग्रो हो रही कंपनी का जो इंटरेस्ट है अर्निंग जो होती है वो ज़बरदस्त तरीके से और प्रॉफिट चौबीस परसेंट से ग्रो हो रहा है कंपनी के यहाँ पर डिपॉजिट की बात करें या हम यहाँ पर कंपनी के एसेट की बात करें सभी चीज़ें ए वन जबरदस्त इंप्रूवमेंट करते हुए नजर आए सभी के सभी अच्छे और हरे निशान में दिख रहे हैं अब यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हैं सेवन लैक एटी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी फोर करोड़ की कंपनी है कितनी बड़ी है दोस्तों आप देख सकते हैं इतनी शानदार और इतने बड़े कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है अभी और भी देखिए इस कंपनी का भी पी हो मैं आपको इन स्टॉक में इसलिए बता रहा हूँ कि वैल्यूएशन से भी स्टॉक थोड़े अच्छे करीब बढ़िया नज़र आते हैं इनके प्राइस में यहाँ पर इंप्रूवमेंट थोड़ी ज़्यादा ही है हाई रेलेशन पर तो चल रहे हैं ऐसा नहीं कि अभी कल ही जाकर खरीदने हैं इन पर नजर रखनी है और बाद में से मौका देख फ़ायदा उठाना है इन चीज़ों को आप समझ लेना क्या होता है लोग जो खरीदे थे तभी खरीद लेते हैं मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ा जो वीडियो बता रहा हूँ और वीडियो में जो बातें हो रही है उसको थोड़ा लिसन करना आपको समझ में आ जाएगा कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी बहुत बढ़िया है फिफ्टी का नजर आता है ये सभी चीज़ें इन कंपनियों में अच्छी नजर आती है एच बैंक का रिटर्न का जो परफॉर्मेंस देखेंगे बड़े बड़े इन्वेस्टर को माला माल करते हैं दोस्तों आपको कहूँगा आप सभी जानते हैं राधा कृष्ण दमानी जी उन्होंने ऑल्सो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर कर बहुत कुछ पैसा कमाया है आप कभी हिस्ट्री पढ़ना लोगों की आपको पता चलेगा क्या चीज़ें हुई है और कौन सी कंपनीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर कर पैसा कमा दिया है बल्कि लोगों को अब इस स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रह रहा है और आगे भी बिल्कुल रहेगा आप यहाँ पर रिकवरी भी देख सकते हैं आपको पता भी चलेगा पाँच साल में इस कंपनी ने रिटर्न कितने दिए तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे लगभग आठ सौ अस्सी रुपये पर शेयर पे कमाग दिए है पाँच सालों में इतने पैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास जितनी ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी उतना ज़बरदस्त आपको रिटर्न मिलेगा थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना शेयर कर लेना सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू